नमस्कार दोस्तों, मैं ईटेक इंस्टीट्यूट से मिस्टर अमित बात कर रहा हूँ। हम आपको आज बताने जा रहे हैं, ये मॉडल है रेडमी नोट 7। इसका हम ऊपर देखिए ग्लास टूटा हुआ है, ग्लास को कितनी आसानी से चेंज करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोबाइल को पीछे से आसानी से इसको खोलेंगे। ये देखिए पीछे ग्लास होता है, बड़ी आसानी से खोला जाएगा। हल्के हल्के से पुश करना है आपको इसे, और ये देखिए हमने ग्लू रिमूवर का प्रयोग किया है। इसमें ग्लू रिमूवर से क्या होता है, थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ग्लू छूट जाता है, क्योंकि जब इसको चिपकाया जाएगा तो ग्लू के माध्यम से चिपकाया जाता है। ये देखिए ये ग्लू कितनी आसानी से आपको बाहर करेगा। वैसे हम फिर से थोड़ा सा ग्लू डालेंगे। ये देखिए ये ग्लू पड़ा, अब देखिएगा इसके स्पीड में कितना अंतर आ जाता है। जी देखिए फिर से थोड़ा थोड़ा ग्लू डालते हैं, ये एक एक बूंद आपको ग्लू डालना है। ये ग्लू रिमूवर है, ग्लू वो ना समझिएगा चिपकाने वाला, ग्लू चुटाने वाला ग्लू रिमूवर है ये। फिर डालेंगे हम इसे, एक ही बार में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि फिर ये आपका वेस्ट हो जाएगा। बड़ी आसानी से इसको निकालेंगे क्योंकि इसी में आपका ग्लास होता है, आपका टच का पत्ता भी होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका निकल गया। ठीक, बहुत से लोग होते हैं इस चीज़ को निकालने में ही पीछे का ग्लास होता है, क्योंकि देखो ये ग्लास होता है तो इसको तोड़ देते हैं। ये मॉडल है रेडमी नोट 7। अब इसको स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम पूरे फ़ोन को अपने ओपन करेंगे। स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसको पूरा ओपन कर लेंगे। इसका फ्रंट का ग्लास टूटा हुआ है, अभी हम आपको फ्रंट का ग्लास दिखाया था, और ग्लास को चेंज करने में बहुत ही कम समय लगता है। अगर आप अच्छे मन से काम करेंगे तो मुश्किल से मात्र 8 या 10 मिनट का समय लगता है टोटल। अब इसकी बैटरी को भी निकाल लेंगे। इसकी ये देखिए हमने पट्टा निकाल दिया है, और हल्के से इसे हम इसका पूरा काम्बो निकालेंगे। काम्बो निकालने के बाद ही हम इसकी ग्लास की कटिंग करेंगे। फिर हल्की पतली सीट के माध्यम से, यह सीट आपको आसानी से उपलब्ध हो जाती है, डी प्लस की सीट होती है, जो डी प्लस टेम्पर्ड आता है उसकी सीट होती है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगी आपको। इस ग्लास को आप जितने अच्छे से हीट करेंगे उतनी आसानी से निकलेगा। ये हीट प्रॉपरली आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है, और हीट आपको सेपरेटर के माध्यम से हीट करेंगे। ये देखिए वैसे निकालते चले जाएंगे, अंदर इसका पूरा काम्बो निकालेंगे हम लोग। वैसे फिर से हम थोड़ा सा ग्लू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ग्लू रिमूवर का प्रयोग करने से क्या होता है कि जो आपका ग्लू होता है वो आसानी से कटने लगता है। ये देखिए स्पीड भी बदल जाती है उसकी कटने की।
इसको पहले पूरा हम निकालेंगे। ये देखो निकल चुका है हमारा, बहुत ही सुंदरता से निकाला गया है। ये देखिए स्लो माध्यम से, ये देखिए आपका ये पूरा आपका काम्बो अलग हो गया। अब इस काम्बो को फिर से सेपरेटर पे हीट करेंगे हम। अब इसको प्रॉपर कटिंग वायर से हीट हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से 3 मिनट इंतज़ार करिए, हीट हो जाने दीजिए। हीट होने के बाद में आपको प्रॉपर कटिंग वायर की सहायता से इसको काटेंगे। हाथ में कपड़ा इसलिए लगा लेते हैं कि ये बहुत ही मजबूती से इसको आपको पकड़ना है, और पकड़ने पे आपकी उंगली में चोट भी आ जाएगी, इसलिए आप वाइट कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं, या एक इससे ग्लव्स भी आते हैं, आप ग्लव्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके वैक्यूम को चालू करेंगे कि आप जब कटिंग वायर को काटिए तो देखिए वैक्यूम चालू हो गई। अब इसको हम आसानी से, ये देखिए इस सबसे लास्ट वाले पे वायर रख करके और आपको काटना है। देखिए ये सिरा और ये सिरे, दोनों सिरे को टच करके चलना है, एक ये सिरा और एक ये सिरा, इनको दोनों को वायर को जितना टच करके चलोगे उतना ही आपका साफ सुथरा अच्छा कटेगा। इसको कहीं से भी काट सकते हो, आगे से पीछे से, आपको जहाँ से सरलता से कट सके वहाँ से काट सकते हैं। आप देखिए ये दोनों सिरे एकदम से आपको टच करके चलने हैं, जो ब्लैक डंडी दिख रही है। बड़ी आसानी से आपको आरी के तरीके वायर चलाना होता है। एक बार कट जाएगा फिर से दोबारा आप कर लेंगे इसे, क्योंकि इसको जो ग्लू लगा होगा वो छूट जाएगा। बहुत ही सरलता से काटा जा रहा है इसे, ये देखिए बिल्कुल आपका फेस निकला हुआ है। दिख रहा है ना आपको एकदम से फेस निकला हुआ है। ये देखिए बड़े ही
जो छोटे छोटे ग्लास होते हैं उनको सब हटा देंगे, साफ कर देंगे और इसका बबल जो है निकाल देंगे, इसको क्लीन करेंगे पूरी तरीके से। अब इसको चेक करेंगे एक बार, हम देखेंगे कि हमारा कहीं से डैमेज तो नहीं हो गया है। क्योंकि बहुत ही टूटा हुआ ग्लास था ये, इसको डायरेक्ट हम लगा देते हैं, ऑन करेंगे। ये देखो ये देखो एकदम क्लीन जो निकला हुआ है, जिसका फ़ोन है उसकी फ़ोटो भी लगी है, देखो पूरा चल रहा है टच सर। हम आपको टच चला के भी दिखाएंगे, इसमें सिर्फ ग्लास चेंज होता है, इसका नया ग्लास हम अब इस पर ग्लास ओसीए करेंगे। अगर आपके पास ओसीए ग्लास उपलब्ध है तो आप ओसीए ग्लास लगा सकते हैं, वरना केवल ग्लास और ओसीए अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें। ये देखिए हमारे पास ओसीए ग्लास उपलब्ध है, हम ओसी ग्लास लगा देंगे इसमें, बड़ी आसानी से। सबसे पहले पीछे का सिरा मिलाएंगे और आसपास के सिरे मिलाते हुए आराम से बड़े हल्के से, अगर पीछे का मिला लेते हैं सर तो आगे का ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और हम इसको रख देंगे, रखने के बाद हम इसका फिर से दोबारा से काम्बो को पूरा बाहर कर लेंगे और इसको अच्छे से पंच कर देंगे हाथ के माध्यम से। देखिए पंचिंग, आप लोग ये देखिए पंचिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, हाथ से बहुत सुपर पंचिंग होता है। ये देखिए ठीक है, आपको शायद दिख रहा हो, उसका कैमरा नीचे लाइए सर। ये देखिए हाथ है सर, पंचिंग मशीन नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कितने अच्छे से पंच हो रहा है। पंचिंग करते समय सर कितना समय लगता है पंचिंग करने में? एक मिनट लगता है, एक मिनट लगता है। ये पंचिंग करने वाले जो बीच में बबल रह जाते हैं ये निकल जाएंगे बाद में? हाँ, ये बहुत ही मोर में डाल के इसको निकाल देंगे। तो इसमें वो सीए लगा हुआ था कि सर वो सीए अलग से लगाना पड़ता है? पहले ही से इसमें लिखा नहीं है ग्लास प्लस ओसीए, दोनों चीज़ें साथ में आती हैं। आप विदाउट ओसीए वाला लोगे तो वो तो 20-30 रुपये का मिलेगा, ये 50-50 रुपये तक ग्रोथ में आता है। अच्छा, ऐसे मतलब अलग अलग लगाने कोई फायदा नहीं, मतलब अलग अलग महंगा पड़ेगा, ऐसे सस्ता पड़ेगा, ऐसे सस्ता पड़ता है। दूसरी बात कंपनी का फिटिंग रहता है तो और अच्छी बात है। जैसे जितने भी सारे जो स्टूडेंट जो लोग देख रहे हैं तो उसमें ये कैसे तुमको पता लगा कि ओरिजिनल ग्लास है कि डुप्लीकेट ग्लास है? देखिए इसका प्रॉपर फिटिंग आता है, जो ऊपर से नीचे तक का फिटिंग है ये इसका क्या रहता है, प्रॉपर रहता है। कई बार जो डुप्लीकेट डिस्प्ले आती है साइड में इसमें दिखता है, साइड में ग्रिप आएगा, जगह खाली खाली दिखेगा, ऐसे रहता है। ऐसे क्या आएगी, ये फुल डिस्प्ले आती है पीछे से, फुल डिस्प्ले है। हाँ, ये सारे रिमूव हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो इसको डालने के लिए कितना समय हमारे पास होना चाहिए? 3-4 मिनट का टाइम लगेगा और हो जाएगा। इसको क्या आएगा, हम लोग ऐसे डाल देते हैं, इसके बाद ऐसे अंदर कर देते हैं,
ये हमारा छोटा सा ये सब ये वाली मोहर है, ऐसे लगाएंगे और बटन दबा देंगे तो चला जाएगा, मगर अभी कंप्रेसर से हवा भर रहा है तो थोड़ी देर का अभी टाइम लगेगा। ये ऑटोमेटिक आता है कि मतलब इसमें समय होता है कि अपने मन से हमको बंद करना पड़ता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऑटोमेटिक होता है सारी चीजें। इसको रिपेयर करने में चेंज करने में कितना खर्चा आया अपना? 50 रुपए का। 50 रुपए मात्र 50 रुपए गिलास आया? और गिलास चेंज करने में हमारा क्या ठीक हो जाएगा? काम्बो सही हो जाएगा। काम्बो सही हो जाएगा तो काम्बो ठीक होने का कस्टमर से हम लोग कितना चार्ज लेते हैं समथिंग? इसका कम से कम 300-400 रुपए तो लिया जाता है। इसका कम से कम 300-400 रुपए लिया जाता है। तो ये कोई भी आदमी अगर मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स सीख लेता है तो मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखने के बाद आराम से महीने का 30-40 हजार रुपए कमा सकता है कि नहीं कमा सकता? कुछ भी ना करे तो कम से कम दिन में 2 ही आ जाते हैं, तो उसके लिए 500-600 रुपए तो आराम से होता है जब बहुत कम कॉस्ट में काम करेगा, और जितना ही अच्छा काम कर पाए उसके लिए उतने ही बेटर है ना। अच्छा, तो इसमें सभी तरह के लोग काम कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं, जो नहीं पढ़े लिखे के लोग हैं वो भी काम कर सकते हैं। हमारे साथ इतने लड़के हैं, इसमें कोई भी पढ़ाई लिखने का काम पड़ा है इसमें कुछ भी? बस केवल अच्छे से सीखने की जरूरत है बस, इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें कोई खास पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो कोर्स होता है ये अपना हुनर का कोर्स होता है। अगर दुनिया जान में देखा जाए तो बहुत ऐसे कोर्स होते हैं जो हुनर के होते हैं। अगर सचिन तेंदुलकर मैच खेलता है तो उसका एजुकेशन स्तर बहुत कम था, या और भी लोग जैसे डांसर हैं, सिंगर हैं, एक्टर हैं, जितने भी सारे लोग होते हैं अगर उनका एजुकेशन लेवल कम होता है लेकिन उनके अंदर एक कला होती है। अगर देखा जाए तो डॉक्टरी भी एक तरीके का हुनर है, वरना पढ़ा लिखा भी आदमी बेकार है। आजकल ऐसे भी लोग होते हैं कि जो लोग देख करके लोगों को ठीक कर देते हैं। वो कैसे ठीक कर देते हैं? उनके पास एक्सपीरियंस है, एक हुनर है, और एक हुनर उन्होंने हासिल किया हुआ है। हुनर दुनिया जान में 2 जगह से हासिल होता है, या तो उसके अंदर खुद गट्स क्वालिटी हो जो हो, या तो वो कहीं पर जाकर के किसी चीज़ को सीखे। अगर कहीं पर जाकर के किसी चीज़ को सीखता है तो उसके अंदर एक बेहतर हुनर होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं नहीं जाकर के सीखते फिर भी काम करते रहते हैं, लेकिन सर जी बस वो काम वही होता है कि अनाड़ियों की तरह काम होता है, जो हो रहा है वो हो रहा है, नहीं हो रहा तो जैसे यार हम काम खत्म फेंक देते हैं। लेकिन अगर एक बार हम किसी काम को पूरा कम्प्लीटली सीखते हैं, पूर्णतया सीखते हैं, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा रहता है और हम सफलतापूर्वक लाइफ में काम कर पाते हैं। हमारे पास जितने भी सारे जो स्टूडेंट आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए पूरा फुली तरीके से सीख करके जाते हैं। हम उनको हर तरीके से, हर माध्यम से, अलग अलग तरीकों से, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से सिखाते हैं ताकि बच्चा सीख करके सफल हो जा करके और अच्छी तरीके से काम करे। तो यहाँ पर जितने सर जो बच्चे सीखते हैं कितने घंटे क्लास करते हैं पूरा दिन में? पूरा 9 से 10 घंटा तक क्लास करते हैं। सुबह 8 बजे से खुल जाता है, शाम को 6 बजे तक पूरा टोटल क्लास चलता है। तो उनको बीच में कुछ खाने पीने का टाइम देते हो कि नहीं देते? क्लास ही कराते रहते हो? नहीं, जाते हैं। खाने पीने में कितना टाइम लगता है? इतना दूर से आते हैं तो वो खुद सोचते हैं कि हम सीखते ही रहे, काहे को टाइम बेकार हो हमारा। तो जाते हैं तो घंटा खाने का लंच हो जाता है, इसके बाद वो पूरा दिन टोटल सीखते ही है। इसमें जितने सारे जो स्टूडेंट सीखने वाले होते हैं वो स्टूडेंट होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं या बिजनेस वाले होते हैं या मोबाइल फोन की दुकान वाले होते हैं? किस तरह के स्टूडेंट होते हैं जॉब के बाद ट्रेनिंग लेने का? टोटल हर टाइप के होते हैं। वो काफी तो लड़के जॉब वाले भी हैं जिन्होंने विदेश में भी पहले जॉब किया है, मलेशिया वगैरह में, और कुछ जो स्टूडेंट भी हैं जो अभी हाई स्कूल इंटर किया है फिर भी आ गए हैं, और काफी ऐसे हैं जो अपनी अपनी जॉब को छोड़ छोड़ कर भी आए हैं, इसी बात नहीं है, और प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो आजकल के समय में देखा जाए कि बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, मैं तो उनके सारी हकीकत को समझता हूँ। मेरे से आकर के बात करते हैं, बताते हैं कि सर अगर मैं 20,000-25,000 रुपए की नौकरी करता हूँ तो 20,000-25,000 की गाली खाता हूँ। जब मैं 20-25,000 की गाली खा लेता हूँ तो हमको 20-25,000 रुपए मिलते हैं। तो हमारे अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये रहती है कि हम अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे और लाइफ में हमको परेशानी आ रही है। देखिए हमारा काम वो इसमें पड़ चुका है और ये मशीन के अंदर देखेंगे, ये मशीन प्रेशर बता रहा है, इसका इतना प्रेशर है, इसका इतना इतना टेम्परेचर है, और ये देखिए काम वो पड़ा हुआ है। अभी काम वो बन जाएगा चकाचक, फ़ोन हो जाएगा टकाटक, बढ़िया फ़ोन चलेगा फर्स्ट क्लास, और आपके सामने इसका रिजल्ट अभी देखने को मिलेगा। आप सब लोग लाइव वीडियो पे जुड़े हुए हैं। ये सारे मोबाइल फ़ोन मार्केट से बनने के लिए आते हैं, हम लोग फोकट में मोबाइल फ़ोन बनाते हैं। फोकट में बनाने का मतलब ये रहता है कि हमारा बच्चा सीख जाए, अच्छी तरीके से काम सीख जाए, क्योंकि चालू मोबाइल फ़ोन में काम सिखाने का एक ही जरिया है कि मार्केट में फ्री की सेवा करना। अगर देखा जाए तो जो MBBS डॉक्टर भी बनता है ना, वो भी लाखों रुपये फीस, 10-20 लाख रुपये फीस दे करके अच्छा डॉक्टर बन जाता है, लेकिन अच्छा डॉक्टर वो कहलाता थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ डिग्री हासिल कर ली, डिग्री को क्या करेगा, चाटेगा क्या? उसके लिए उसको कहीं जाना होता है, किसी अस्पताल में जाना होता है, वहाँ पर प्रैक्टिकल करना होता है, वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस लेना होता है। ये एक्सपीरियंस लेना होता है कि कैसे काम किया जाता है, चालू मोबाइल फोन में काम कैसे किया जाता है। मतलब चल मोबाइल फोन में तो खैर नहीं करेगा वो किसी लोगों को ही ठीक करेगा, जुकाम बुखार सब कैसे ठीक होता है, कैसे लोग
अपनी समस्याओं को बताते हैं, क्या क्या बीमारी आती है, क्या क्या लक्षण होते हैं। पढ़ाई तो कर लिया कि पढ़ाई करने से मतलब पता है कि अगर उसकी आंखें लाल है तो बुखार है, तो ये थोड़ी ना कि आंखें लाल है तो बुखार है। वो धूप में आया तब भी उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, कोई अगर आंखों में मुक्का मार देगा तब भी आंखें लाल हो जाएंगी, बुखार आने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये सारी डिफरेंट डिफरेंट तरह की समस्याएं तभी आती हैं जब आप लाइव उनको खुद देखें। तो हमारे पास ऐसे लाइव मोबाइल फोन ठीक होने के लिए आते हैं, वो मोबाइल फोन सारे बच्चे लोग मोबाइल फोन को रिपेयर करते हैं, बच्चे लोग करते हैं, सर भी एक एक करके मोबाइल फोन को बताते हैं ताकि किस तरीके से सफलतापूर्वक वो काम कर सकें और अच्छी तरीके से वो अपना लाइफ में स्ट्रगल कर सकें। लाइफ में स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप घिसोगे उतना ही चमकोगे, नहीं घिसोगे नहीं चमकोगे। पत्थर भी होता है ना, पत्थर को शेप देने के लिए भी फोड़ना जाता है, नहीं तो पत्थर क्या जिंदगी भर पहाड़ बना रहता है। अगर उस पहाड़ को शेप दे दिया जाता है तो मूर्ति बन जाता है, नहीं होता तो बेकार रहता है, ऐसे ही पड़ा रहता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे काम्बो पूरा रेडी होने वाला है। काम्बो रेडी होने के बाद पूरा आपके पास फर्स्ट क्लास आपके सामने लगा के दिखाया जाएगा ताकि आप उसको देख सको कितना बढ़िया हो गया, कितना 50 रुपए में मात्र मोबाइल फोन को ठीक कर दिया, 1000-1200 रुपए काम्बो को मात्र 50 रुपए में ठीक हो गया। हम जब मेरे पास कोई कस्टमर आता है ना, हम उसको बताते हैं कि 50 रुपए में ग्लास चेंज हो गया, समझ लीजिए ऐसा शौक हो जाता है, कहता सर जी मैं अपना ये इतना बड़ा धंधा बिजनेस करता हूँ उसमें साला इतना काम नहीं आजकल निकल रहा, क्या मैं भी काम सीख सकता हूँ क्या? तो हमने कहा बिल्कुल बेशक, क्यों नहीं सीख सकते हो। देखिए ग्लास चेंज हो गया, पूरा फर्स्ट क्लास फोन नया हो गया। सर इस मोबाइल फोन को जरा वीडियो में दिखाइए ताकि जितने सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं ना उनको ये पता चल सके कि कैसे मोबाइल फोन ठीक हुआ है। अब आपके सामने होगा जादू, मोबाइल फोन होगा चालू, पूरा मोबाइल फोन साफ सुथरा दिखाई देगा। शिवम बाबू डिस्प्ले आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है तुमको? आएगा पक्का? पक्का नहीं आया तो आएगा? अरे शिवम ने कह दिया तो 100%। आप देखिए, अरे ये देखिए डिस्प्ले हमारा आ चुका है, डिस्प्ले में रेडमी लिख करके आया हुआ है, डिस्प्ले में सारा साफ सुथरा सबको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्लास मोबाइल फोन चालू हो गया। अब ये मोबाइल फोन चालू होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा टेस्टिंग करेंगे। ये MIUI लिख करके आ गया है, पूरा मोबाइल फोन ऑन हो जाएगा। अब देखेंगे इसका टच चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या रिजल्ट है, क्या सारी चीजें हैं, ये सारी चीज को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम इस काम्बो को मोबाइल फोन में चिपका देंगे और मोबाइल फोन फर्स्ट क्लास चालू हो जाएगा, रेडी हो जाएगा और आज हमारा स्टूडेंट का टास्क पूरा हो जाएगा। देखिए ये पूरा फूटा हुआ था, डैमेज मोबाइल फोन था, ये ऐसे आदमी का मोबाइल फोन है, ये भी टूटा फूटा है, ये भी थोड़ा सा विकलांगी टाइप का है, आदमी का टूटा फूटा फोन ठीक हो गया, फर्स्ट क्लास चकाचक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इंसान विकलांग शरीर से होता है, मन से नहीं होना चाहिए। ये आदमी ऐसा है कि आज मार्केट में बहुत लाखों करोड़ों का काम करता है, ऐसी जगह पे बैठा हुआ है कि चाय बेचने के बाद भी मोदी को भी इससे परमिशन लेनी पड़ती चाय पीने के लिए। और ये देखो इसका भाई आ गया है जो मोबाइल फोन को ले जाएगा, इसका भी वीडियो डालो, फोटो में डालो वीडियो। ये हमको चाय देते हैं, इन्हीं का मोबाइल फोन है, पूरी मार्केट के बादशाह है, इनका वीडियो बना करके डालो ताकि इनका मोबाइल फोन इनके सामने ठीक हुआ है। क्या मोबाइल फोन में तुम्हारी खराबी थी इसमें? बता दिया, क्या बताया था बताओ, सिर्फ बताओ। ये तुम्हारा लाइव वीडियो बन रहा है, ये लाइव वीडियो पड़ेगा चाचा। तो चाचा जी का मोबाइल फोन इनका आया था, पूरा मोबाइल फोन फर्स्ट क्लास चालू हो गया है, अब पूरा चिपका के मोबाइल फोन को देंगे। अब ग्लू ले आओ, अभी देखिए इसमें हम लोग इसमें ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाने के बाद काम्बो को चिपका देंगे और काम्बो चिपकाने के बाद ये फोन हमारा ओके हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बढ़िया चलेगा फोन फर्स्ट क्लास। ये हमने ग्लू लगा दिया, ग्लू लगाने के बाद हम लोग इस काम्बो को इसमें चिपका देंगे और काम्बो चिपकाने के बाद फ़ोन हमारा फर्स्ट क्लास ठीक हो जाएगा, अच्छी तरीके से काम करेगा और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये
ये हमारे पास रेडमी कंपनी का मोबाइल फ़ोन था, रेडमी नोट 7 मोबाइल फ़ोन था। इसका हम लोगों ने ग्लास चेंज किया है, ग्लास चेंज करने के बाद पूरे मोबाइल फ़ोन को ओके कर दिया, पूरे मोबाइल फ़ोन को रेडी कर दिया। इसमें ग्लास करने के बाद फिर हम लोग इसमें पीछे का सारा स्पीकर रिंगर जो भी सारी चीज़ें होती हैं सब चीज़ों को प्रॉपर अच्छी तरीके से अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद स्पीकर रिंगर ख़राब हो जाता है तो हमारे फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि गाने नहीं बजते, साउंड नहीं बजता, म्यूजिक नहीं बजता। और इसका ठीक करने का मार्केट में 400-500 रुपये लिया जाता है। ये पूरे रिंगर डब्बी है, 120-150 रुपये की आती है। इसको हम लोग बस ऐसे स्क्रू के माध्यम से खोल करके ऐसे कस देते हैं। अगर आप स्क्रू लूज रखोगे तो रिंगर सही से कनेक्ट नहीं होगा, फिर गाने नहीं बजेंगे, आप म्यूजिक का मज़ा नहीं उठा पाओगे। इसके सारे स्क्रू को हम लोग कस देंगे चारों तरफ से। अच्छा, स्क्रू कसते समय हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि स्क्रू बिल्कुल बराबर लगाने हैं, बड़ा छोटा नहीं लगा देना। एक बार ऐसा ही था, एक स्टूडेंट ने बड़ा स्क्रू लगा दिया, अंदर जाकर डिस्प्ले में घुस गया, उसके मोबाइल फ़ोन में शेरा वाली माता की फ़ोटो लगी थी, उसके शेर के मुंह पर जाके स्क्रू कर दिया, शेर का मुंह खुल गया। कहता सर पहले तो मोबाइल फ़ोन शेर का मुंह बंद था, अब खुल कैसे गया? तो उसने स्क्रू कर दिया था वो जो मुँह, बाद में जब शेर का मुँह तब बंद हुआ कि 1000-1200 रुपये काम वो नया डला था, वो मुँह बंद हुआ, नहीं तो मुँह खुला रहता, कस्टमर पैसे भी नहीं देता। अब हम लोग ये रिंगर लगा दिया है। रिंगर लगाने के बाद ध्यान रखते हैं कि सारे स्क्रू बिल्कुल बराबर लगाते हैं, पहले तरीके से लगाते हैं, समांतर छोटे बड़े नहीं लगाते, जो छोटे होते हैं उनको बीच में लगाते हैं, जो बड़े बड़े वाले स्क्रू होते हैं उनको साइड में लगाया जाता है। ये जाली लगा देते हैं, जाली की वजह से फ़ोन गिर जाता है तो ये डिस्प्ले पत्ता वगैरह लूज हो जाता है, जिसके कारण से फ़ोन में प्रॉब्लम आती है कि फ़ोन कभी चलते चलते बंद हो जाता है, कभी डिस्प्ले नहीं आती, फिर उसको खोल काल के दोबारा लगाया जाता है, फिर आ जाता है। तो हम लोग मोबाइल फ़ोन में जो जाली वगैरह होती है इसको हम अच्छी तरीके से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। ये जाली है, सभी मोबाइल फ़ोन में ऐसे ही आती हैं, ये मोबाइल फ़ोन को कवर करने का काम करती हैं, मोबाइल फ़ोन को पकड़ने का काम करती हैं। ये हमारा मोबाइल फ़ोन पूरा रेडी हो गया है, अब हम इसको अच्छी तरीके से जाली को कस देंगे। जाली कसने के बाद मोबाइल फ़ोन में सारे स्क्रू पैक कर देंगे। स्क्रू का बहुत मोबाइल फ़ोन में रोल होता है, और अच्छे से सारे स्क्रू को टाइट करें, क्योंकि स्क्रू ना टाइट होने की वजह से फ़ोन में रीस्टार्टिंग है, और कभी अपने मन से बंद हो जाना, लूज की समस्या, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जो रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन होते हैं वो ज़्यादातर एक आध स्क्रू निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल फ़ोन में पूरा स्क्रू लगाते हैं। बच्चों को सलाह भी देते हैं कि हम वो हमारे बच्चे भी मोबाइल फ़ोन में पूरा स्क्रू को लगाएं। ये मोबाइल फ़ोन में देखेंगे काम वो चल रहा है, हम इस तरह देख रहे हैं, ये देखिए पूरा रेडी हो गया। यही है तुम्हारी चाचा जी हैं? चाचा जी का मोबाइल फ़ोन ठीक हो गया। हम ग्लू लगा करके, पीछे का बैक ग्लास लगा होता है, हम चारों तरफ क्या करेंगे, ये तो ग्लास में ग्लू लगा सकते हैं या तो उसमें लगा सकते हैं। ग्लू लगाने के बाद फिर इसको हम लोग चिपका देंगे, रबड़ लगा देंगे, डॉक्टर टेप के माध्यम से भी चिपका सकते हैं। इसको चिपकाने से ये रहेगा कि आपका मोबाइल फ़ोन चिपक जाएगा। मोबाइल फ़ोन चिपकने के बाद फर्स्ट क्लास अच्छी तरीके से काम करेगा, पैक हो जाएगा। ये आपका चिपक गया। शिवम बाबू कहाँ टेप टूप रखे हो तुम, लाओ सब। ये डॉक्टर टेप है, डॉक्टर टेप लगा देते हैं। डॉक्टर टेप लगाने से हमारा डिस्प्ले ग्लास दोनों आपस में चिपक जाएगा, डिस्प्ले ग्लास आपस में चिपक जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास काम करना शुरू कर देगा और लूज नहीं होगा। अगर आप इसको ढीला छोड़ देते हैं तो आपका लूज हो जाएगा और दिक्कत करेगा। ये देखिए मॉइस्चर है, इसको अच्छे से चिपका दिए हैं। अब तुम लोग मोबाइल फ़ोन में ग्लास चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो, ग्लास चेंज कर सकते हो। शिवम बाबू तुम कर सकते हो नहीं कर सकते? तुम तो यार अयोध्या के जाओगे तो अयोध्या में सारे मोबाइल फ़ोन ठीक करोगे जा करके। अमेठी पड़ता है तुम्हारा। तुम्हारे यहाँ पर राहुल गांधी ने एक मशीन मंगाई थी बर्फ़ खोदने वाली, है अभी कि नहीं है?
नहीं एक बार उन्होंने, राहुल गांधी ने संसद में बिल डाला था, कह रहे अमेठी में हमने 5 मशीनें मंगाई हैं जिनसे बर्फ खोदी जाएगी, आज तक वहां पर बर्फ नहीं पड़ी, वहां के लोग बर्फ खरीद तक के नहीं लाते उनके बयान को देख करके, लेकिन बर्फ खोदने वाली मशीन लाई थी।